A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Planetary Adjustment. देखो planetary यहाँ पर use किया गया है हमारे Earth planet के लिए. Adjustment का मतलब होता है modification करना या कोई change करना. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, राइट? तो उसी प्रदूषण को देखते हुए, उसी पॉल्यूशन को देखते हुए हमारे जो प्लेनेट है वो फिलहाल बहुत ज्यादा खतरे में है. और उस प्लेनेट को सुधारने के लिए, उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा. खास तौर पर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर जो एनर्जी, जो सोर्सेज हैं जिनको यूज किया जाता है, वो काफी इस टाइप के होते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है. तो इंडिया को फिलहाल देखने की जरूरत है ऑन इंडियाज क्लीन एनर्जी प्रायोरिटीज. तो इंडिया को इस एनवायरनमेंट को और प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी जो कि क्लीन है. क्लीन का मतलब वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज जिससे, जिसके यूज करने से पॉल्यूशन ना हो और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो इंडिया को इस चीज को प्रायोरिटी देनी होगी. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज. प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना द ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब हो गया चेंज, यानी इंडिया को क्या प्राथमिकता देनी होगी, इंडिया को चेंज करना होगा. टू एनर्जी सोर्सेस, यानी इंडिया के पास जो एनर्जी सोर्सेज है, खास तौर पर वो सोर्सेज है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, तो उन सारे के सारे एनर्जी सोर्सेज को चेंज करना होगा. दैट डू नॉट अपसेट द नेचुरल बैलेंस. यानी इंडिया को वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना होगा जो कि हमारा जो नेचुरल जो बैलेंस है, जो हमारा प्रकृति का जो एक बैलेंस है, उसको अपसेट ना करे. तो इन शॉर्ट इंडिया को उन सारे एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ देखना होगा जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे और एट द सेम टाइम जो हमारा नेचुरल जो बैलेंस है उसको क्या ना करे, मिसबैलेंस ना करे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन परहैप्स हिज फर्स्ट एड्रेस, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने फर्स्ट एड्रेस के अंदर, अपने वक्तव्य के अंदर, यानी भाषण के अंदर दिस ईयर उन्होंने कहा क्या, ऑन द थीम ऑफ एनवायरमेंट रिमार्क, यानी उन्होंने पर्यावरण से संबंधित भाषण में उन्होंने कहा, रिमार्क का मतलब टिप्पणी देना, दैट इट वॉज नॉट द प्लैनेट दैट वॉज फ्रजाइल. यानी ये जो प्लैनेट है, अगर हम अर्थ प्लैनेट की बात करें तो ये स्टार्टिंग से फ्रजाइल नहीं था. फ्रजाइल का मतलब कमजोर, बट पीपल एंड देयर कमिटमेंट, लेकिन जो लोग हैं और उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो समर्पण है टू कंजर्विंग नेचर. कंजर्व का मतलब प्रोटेक्ट करना नेचर. यानी ये जो प्लेनेट है वो स्टार्टिंग से फ्रेजाइल नहीं था, कमजोर नहीं था, बल्कि लोगों का जो कमिटमेंट है, लोग हैं और उनका जो कमिटमेंट है इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका वो जो कमिटमेंट है ना, वो काफी फ्रेजाइल है. यानी लोगों का जो कमिटमेंट है वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही वीक है एज कंपेयर टू द प्लेनेट. प्लेनेट का जो, अगर देखा जाए प्लेनेट वीक नहीं था, बल्कि लोगों का कमिटमेंट इस प्लेनेट को बचाने के लिए वो काफी वीक है. फ्रॉम जेम्स लवलॉक गया हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रिकल्पना करना, किसी चीज को एंटिसिपेट करना. तो जेम्स लवलॉक गया की हाइपोथेसिस के अनुसार दैट पॉजिटिव का मतलब होता है एक तरीके से प्रेजेंट करना, दिखाना, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर. और ये सारे के सारे चीजें हैं जो प्रकृति की जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्शन के अंदर है. टू नोबल लॉरेट्स. लॉरेट्स बोला जाता है एक ऐसे इंसान को जिसको अवार्ड मिला हो. तो यानी पोल क्रुटजन, जिनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था, उन्होंने कहा, उन्होंने वार्न किया था, चेताया था दैट केमिकल
एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स का मतलब होता है वेस्ट वाटर्स, मतलब जो पानी जिसके अंदर केमिकल मिल जाता है तो वो वाटर क्या करता है, वो ऑल्टरिंग, ऑल्टर का मतलब चेंज करना द प्लैनेट एटमॉस्फेयर। और ये जो केमिकल वाला वाटर, जो वेस्ट वाटर है, वो क्या करता है, हमारे पूरे इस प्लैनेट को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके वातावरण को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एंड कॉजिंग हार्मफुल क्लाइमेट चेंज फीडबैक। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, हमारा जो पर्यावरण जो परिवर्तन है, वो काफी हद तक हमें बहुत ही नेगेटिव प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। किसकी वजह से? केमिकल एफ्लुएंट्स की वजह से। मैनी हैव मेड द केस का मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात कही है दैट ह्यूमैनिटी, मानवता, एज इन द एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन का मतलब हो गया, देखिए, एक ऐसा टाइम पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन एक्टिविटी हैज बीन द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोसीन एक ऐसा एरा यानी युग है जिसके अंदर जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो नेचर के ऊपर ज्यादा हावी है। जैसे कि हम देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ह्यूमन है वो नेचर को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और फिलहाल हम एक ऐसे युग के अंदर है जहां पर इंसान नेचर को डोमिनेट कर रहा है, हमारे इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर रहा है। इज लाइक जियोलॉजिकल फोर्स, जियोलॉजिकल फोर्स कह सकते हो ऐसे एक तरीके से, एक ऐसी फोर्स जो कि भूगोल से रिलेटेड हो, जियोलॉजिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स दैट इज शेपिंग द प्लैनेट डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब भाग्य हो गया, यानी कि ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे प्लैनेट का जो एक डेस्टिनी है, भाग्य है, उसको शेप दे रहा है, जिस तरीके से फिलहाल जो इंसान है वो प्लैनेट को एक्सप्लोइट कर रहे हैं और प्लैनेट भी अपना जो शेप है उसको चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ, अगर देखा जाए जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। However, हालांकि दिस गिव्स दी डिस्टॉर्टेड सेंस, डिस्टॉर्टेड का मतलब हो गया एक तरीके से फॉल्सिफाइड, एक झूठी सेंस, मतलब, लेकिन इसका जो जो सेंस है, अगर इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो ये पूरा एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है, दैट इट्स वेगुलरली डिफाइंड प्लैनेट। और जिस तरीके से प्लैनेट को डिफाइन किया गया वो वेगुलरली, मतलब नॉट क्लियरली, दैट नीड्स प्रोटेक्टिंग। ये ऐसा नहीं है कि प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जाना है, बल्कि अ नोशन, एक ऐसी धारणा, रेनफोर्स का मतलब हो गया एक तरीके से सपोर्ट करना, बाय अपोलोलिप्टिक डॉक्यूमेंट्रीज, अपोकालिप्टिक का मतलब होता है डेवेस्टेटिंग, सर्वनाश। डॉक्यूमेंट्रीज का मतलब हो गया जो चित्र वर्णन जो किया जाता है, चित्रों के थ्रू जो चीजों को दिखाया जाता है, मेल्टिंग ग्लेशियर, द ट्रूथ इज मोर कॉम्प्लेक्स। और अगर देखा जाए, मतलब अक्सर ये बात की जाती है प्लैनेट को, मतलब जो प्लैनेट को डिफाइन किया गया है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर देखा जाए एक ऐसी धारणा जिससे हमें पता चलता है, अपोकैलिप्टिक डॉक्यूमेंट्रीज जो है, मतलब जिसके ऊपर ग्लेशियर को मेल्ट होता हुआ दिखाया गया है, तो अगर उस सच्चाई को हम देखते हैं ना, द ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स, जो सच्चाई है बहुत ज्यादा जटिल है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो लगातार मेल्ट हो रहा है और पूरी दुनिया के ऊपर एक थ्रेट बना हुआ है, और जैसे कि हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट मी डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने प्रायोरिटीज यूज कर लिया जो कि आपका V1 है, राइट। अब यहां पर देखिए, मस्ट जनरली अपने साथ V1 लेकर चलता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए, जब अगर वैसे हाईली डेजिग्नेशन के साथ हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उस पर्सन का नाम भी उसके साथ दे दिया जाए तो फिर आर्टिकल द आपका यूज नहीं होता है। वर ऑल्टरिंग, यहां पर आपने पास्ट कंटिन्यूस यूज कर लिया, ऑल्टर का चेंज होना। सेंस यहाँ पे नाउन हो गया, तो डिस्टॉर्टेड यहाँ पर हो गया V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और उसके बाद ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने जीरंड यूज कर लिया, मेल्टिंग जो कि V1 प्लस ING है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। मेंस एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का तो गले लगाना होता है, ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंसान ने क्या किया, अपने सर्वाइवल के लिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गया। द डोमिनेंस ऑफ व्हीट
एंड राइस। और जनरली इंसान जो अगर देखा जाए अपने सर्वाइवल के लिए, या तो गेहूं हो गया या राइस चावल हो गया, तो उसको डोमिनेंट तरीके से उसको क्या करता, कल्टीवेट करता, उसको उपजाता है। फूड क्रॉप्स यानी ज्यादातर जो इंसान है वो क्या गेहूं या चावल के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और अपने अपने शेल्टर के लिए, रहने के लिए इंसान ने क्या किया है, फॉरेस्ट ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब एरिया कह सकते हैं, तो उसने फॉरेस्ट को काट कर अपने इलाके बनाने की कोशिश की। एंड कोज द फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल चेंजेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, द एफर्ट्स वर अपरेंट ओनली ओवर सेंचुरीज। और इंसान ने जैसे क्या किया, धीरे धीरे इंसानों ने फॉरेस्ट को भी काटना स्टार्ट कर दिया, और ये मेजर जो स्केल चेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस थे जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट के हमें देखने को मिला, जो हमारा पूरा का पूरा अगर वैश्विक जो वातावरण है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले, दो देर एफर्ट्स वर अपरेंट, लेकिन इंसानों के द्वारा जो एक्टिविटीज की गई है उनके जो अफेक्ट्स है अपरेंट का तो क्लियर ओवर सेंचुरीज, ये हमें बहुत सेंचुरीज के अंदर सैकड़ों सालों के बाद हमें देखने को मिले, और फिलहाल हम उन इफेक्ट्स को हम देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और जो वातावरण से संबंधित जो परिवर्तन हुए हैं ड्यू टू द डान, DAWN, डान का मतलब होता है एंड ओपनिंग ऑफ टाइम पीरियड, मतलब किसी समय की शुरुआत होना, ऑफ इंडस्ट्रियल एज, और जब औद्योगिक युग आया, जब मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल को एस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बाद से ही हमारा एटमॉस्फेयर काफी चेंज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या करता है, रिलीज करता है बहुत ज्यादा लीथल गैसेस को, और जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म, फॉसिल होता है जीवाश्म, फ्यूल का मतलब ईंधन हो गया, हैपन, और ये जो फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन क्या कहता है, वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। रिलेटिवली स्पीकिंग इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, और अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें ब्लिंक एन आई, जैसे हम अपनी आंखों को झपकाते हैं उस तरीके से एकदम सडनली ये जो पूरा का पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया। वट इज कॉमन टू बोथ दिस एराज, अगर हम देखा जाए दोनों युगों के अंदर क्या चीज कॉमन है, अगर हम देखें तो क्या चीज कॉमन है, इज दैट दोज हु सफर द मोस्ट आर पुअर। अगर दोनों ही युगों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हुआ है वो गरीब इंसान हुआ है, और दोज विद द लीस्ट एजेंसी, एजेंसी का मतलब यहाँ पर हो गया जिसके पास साधन नहीं है टू शील्ड प्रोटेक्ट करना देमसेल्फ, खासतौर पर वो इंसान ज्यादा परेशान हुए जो गरीब है, या वो इंसान जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुए। फ्रॉम परटर्ब्ड नेचर, परटर्ब्ड का मतलब हो गया डिस्टर्ब्ड, ट्रबल्ड नेचर, क्योंकि जब नेचर डिस्टर्ब्ड हुआ तो उस नेचर ने क्या किया, अपना रूप दिखाना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से गरीब और वो इंसान जिनके पास मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है वो लोग ज्यादा इस चीज से परेशान हुए। लास्ट ईयर उत्तराखंड सा अ एवलेंचे, एवलेंचे का मतलब हो गया देखें स्नो स्लाइड, हिमस्खलन जो हुआ था ऑफ द रॉक, द आई डिस्ट्रॉय टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और उत्तराखंड के अंदर लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो एक हिमस्खलन हुआ था, एवलेंचे का मतलब हो गया हिमस्खलन, राइट तो हुआ था जहां पर मतलब एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था वो क्या हो गया था, वो टूट गया था, और टूटने की वजह से उसने दो हाइड्रो पावर जो विद्युत जो परियोजनाएं थी उनको तबाह कर दिया था, और बहुत सारे लोग उसके अंदर मारे गए थे। तो ये नेचर का एक तरीके से हमें एक बहुत ही रौद्र रूप देखने को मिला, बहुत ही लीथल एक कह सकते रूप हमें देखने को मिला। द जियोलॉजी, भू विज्ञान ऑफ हिमालयस, और हिमालयस के भू विज्ञान की अगर बात की जाए तो साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वॉर्न, साइंटिस्ट ने पहले इस बात को वॉर्न किया है, चेतावनी दी हुई है, मेक द रीजन इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का मतलब है होस्टाइल, विरोधी टू लार्ज मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, और मतलब ये जो लार्ज मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर लागू किए जा रहे हैं, तो वो जो रीजन है उस क्षेत्र के अंदर ये काफी होस्टाइल है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से ये ठीक चीजें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अंदर सेवरल फ्लड्स, बहुत सारी बाढ़ आ चुकी है, लैंडस्लाइड हो चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, ओवर द इयर्स हैव अंडरलाइन दिस टाइम एंड अगेन, और बार बार ये चीज हमें देखने को मिली है। अगर हम इन्वायरमेंट के साथ चेंज करेंगे,
अगर उसके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है हमें फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक ये सारी चीजें हमें बार बार देखने को मिलेगी। बट वाइल द अर्थ रीअरेंज इटसेल्फ, लेकिन जब कभी भी जो अर्थ है, धरती है, वो अपने आप को रीअरेंज करती है, दोबारा से अपने आप को ठीक पोजिशन में लाने की कोशिश करती है, इट डज सो इन अ मैनर, तो वो जो धरती है ना अपने आप को किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर से वो अपने आप को रीएडजस्ट कर सकती है। दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, जो कि विनाशकारी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा लीथल, हानिकारक हो सकता है टू दोज रिस्पॉन्सिबल कोजिंग दी डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एक तरीके से असमानता। तो जब धरती अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करती है तो इस मैनर से करती है जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लीथल, हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे मिसबैलेंस के लिए, खासतौर पर जो इंसान पुअर है या वो लोग जो कि जिनके पास मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, तो वो लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन बींग की एक सबसे बड़ी भूल रही कि उन्होंने प्लैनेट के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की, और अभी भी टाइम है कि अगर हम ह्यूमन बींग इस बात को समझ जाएं और हम अपने प्लैनेट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, और वो सारे के सारी एक्टिविटीज को छोड़ दें जो कि पॉल्यूशन करती है या जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, बहुत ज्यादा इनस्टेबल बनाती है, तो वो सारी एक्टिविटीज को बंद कर देना चाहिए, हमें प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड स्लाइड, द पुअर। देखें, पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हैं तो जनरली वो क्या दिखाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है और आपकी पूरी इंटायर कम्युनिटी को दिखाता है। तो पुअर एक की बात की गई है, द पुअर का मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात की गई है। टू शील्ड, यहाँ पे टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। हैव लॉन्ग वॉन, हैव के बाद आपने वी थ्री यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। कैन बी डिस्ट्रक्टिव, कैन आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने बी डिस्ट्रक्टिव यूज किया, डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे नाउन है, और फोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ आपने कोजिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, डज, इस वजह से कि फ्रेजाइल का मतलब था कमजोर, वर्ड टू मीन ब्रिटलनेस का मतलब था फर्म बट कैन बी इजिली ब्रोकन, नीडिंग केयर, यानी कि अगर देखा जाए मतलब ये जो पूरा का पूरा जो प्लैनेट है, प्लैनेट हमारा कमजोर नहीं है बल्कि लोगों का जो कमिटमेंट है वो कमजोर है, नीडिंग केयर मतलब ये जो प्लैनेट है उसको केयर की जरूरत है। देन इट इज पीपल एंड एनिमल दैट नीड प्रोटेक्शन देन ए रेगुलरली डिफाइंड प्लैनेट, और इस प्लैनेट को कहीं ना कहीं रेगुलरली डिफाइन किया गया, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। एंड देन इट इज पीपल एंड एनिमल्स, वो लोग और एनिमल्स दैट नीड प्रोटेक्शन, लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्यों? देखो प्लैनेट तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि प्लैनेट को केयर चाहिए। प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की बजाय हम प्लैनेट को क्या करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, और प्रोटेक्ट किसको करना, हमें लोगों और एनिमल्स को करना है। अगर हम प्लैनेट की केयर करेंगे तो लोग तो अपने आप में क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो प्लैनेट है उसको रेगुलरली डिफाइन किया गया, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, रेगुलरली मतलब अनक्लियरली। India's position of climate justice, और इंडिया की अगर पोजिशन की स्थिति की अगर बात की जाए इस पर्यावरण क्लाइमेट यानी वातावरण से संबंधित न्याय को लेकर बात की जाए, इज दैट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात से मना नहीं किया जा सकता है, राइट टू रिलाई ऑन पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स, कि बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी अभी भी रिलाई करती है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और लगातार वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। टू एमिल्योरेट, एमिल्योरेट का मतलब होता है टू मेक इट बेटर, द लिविंग कंडीशंस ऑफ मोस्ट इंडियन हैव लिमिटेड एक्सेस टू द रिलायबल एनर्जी, और अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी फिलहाल भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही क्या है, डिपेंड करते हैं, और उनके पास अभी भी लिमिटेड एक्सेस नहीं है रिलायबल एनर्जी सोर्सेज के लिए, यानी वो सारे सोर्सेज क्लीन एनर्जी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे पास एक्सेस भी नहीं है वो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात की जाए जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। दस इस वजह से इंडिया विल कंटिन्यू टू फायर कोल प्लांट्स, और इस वजह से फिलहाल इंडिया के पास क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की एक्सेस पूरी नहीं है, तो इस वजह से इंडिया अभी भी कंटिन्यू करेगा फायर कोल प्लांट्स, कोयले के जो प्लांट्स उसको लगाने के लिए, रेज फॉरेस्ट,
रेस का मतलब उजाड़ना होता है फॉर इंडस्ट्री। और अगर इंडिया मतलब अगर बात की जाए इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा तो उसके लिए उसको जगह चाहिए होगी, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट जंगल हो गए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उजाड़ना पड़ेगा। एंड बिल्ड रोड्स, रोड्स उसको बनाने पड़ेंगे। फ्रॉड्स, फ्रॉड्स का मतलब हो गया फिल्ड विद बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जियोलॉजी, भू विज्ञान इन अदर वर्ड्स। और पूरा का पूरा इस भू विज्ञान को अगर समझा जाए दूसरे शब्दों में, पुट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ वनरेबल एट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क इन द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं अगर ये पूरी चीजों को अगर देखा जाए तो क्या है, बहुत सारे लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी को क्या है वनरेबल का मतलब बहुत ज्यादा विक्टिमाइज, बहुत ज्यादा पीड़ित। क्लाइमेट रिस्क यानी पर्यावरण से संबंधित जो जोखिम बना हुआ है। परस्यूट, परस्यूट का मतलब फॉलो करना, इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट विकास। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के चक्कर में लाखों लोगों को क्या किया जा रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी को क्या किया जा रहा है, रिस्क पे लगाया जा रहा है। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जो रिस्क है, वातावरण का जो जोखिम बना हुआ है वो एज इट इज बना हुआ है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर लाखों लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है और ऐसा ही डाला जाएगा। इंडिया कमिटमेंट टू नेट जीरो, नेट जीरो क्या है, देखो इंडिया ने एक कमिटमेंट लिया है, इट मीन्स ह्यूज डिक्लाइंस इन द यूज ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। तो कमिटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब नेट जीरो का मतलब होता है मतलब डिक्लाइन करना, कमी करना किसमें, कोल के यूज के अंदर, कोयले के अंदर, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, गैस के यूज के अंदर बहुत कम उसका यूज करना। तो इंडिया इस बात के लिए कमिटेड है, सेट डिकेड्स इनटू द फ्यूचर एट 2070, यानी 2070 तक इंडिया का ये पर्पस है कि इंडिया नेट जीरो क्या एक जो एक कमिटमेंट है उसको पूरा करेगा। अननोन अननोन, अज्ञात अज्ञात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट साइंस, जो वातावरण से संबंधित जो हमारा विज्ञान है इंडिया, गिवन इट्स साइज, और बहुत सारे ऐसे अननोन रीजंस हैं। और अगर देखा जाए और इंडिया एंड इट्स साइज, और इंडिया का साइज को अगर देखा जाए एंड पॉपुलेशन, और इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको देखा जाए, विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली बेढंगे तरीके से आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी बेढंगे तरीके से वनरेबल। और कहीं ना वनरेबल का मतलब विक्टिमाइज्ड, पीड़ित। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के साइज को देखा जाए, पॉपुलेशन को देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है फिलहाल वो बहुत ज्यादा वनरेबल है, एट रिस्क है, पीड़ित है। इट मस्ट एक्सलरेट, इंडिया को क्या करने की जरूरत है, स्पीड अप करने की जरूरत है। प्रायोरिटीज, प्राथमिकता देनी होगी ट्रांजिशन चेंज को टू एनर्जी सोर्सेस, यानी वो सारे के सारे एनर्जी सोर्सेज को इंडिया कंसिडर करना होगा जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है, दैट आर मिनिमली पर्टर्बिंग, पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना टू द नेचुरल बैलेंस। और इंडिया को उन सारे रिसोर्स यानी एनर्जी रिसोर्सेज को कंसिडर करना होगा कि जो कि हमारे नेचुरल जो बैलेंस है, प्रकृति का जो एक समान, जो एक समानता है, एक बैलेंस बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब ना करे और इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करे। उन सारे रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज को इंडिया को देखना होगा, उनको प्रायोरिटी देनी होगी और स्पीड अप करना पड़ेगा उस पूरे प्लान को, बिकॉज एंड ऑन दिस साइंस इज सर्टेन, और कहीं ना कहीं इस विज्ञान पे ये बात पूरी की पूरी निश्चिंत है, निश्चिंत है क्या, दैट द प्लैनेट विच मे बी इन अ फॉर्म ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल एट प्रेजेंट। और अगर फिलहाल फिलहाल की अगर कंडीशन को देखा जाए तो हमारा जो प्लैनेट है, जो हमारा धरती है, वो फिलहाल इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो गया इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जिसको समझा ना जा सके। और जिस तरीके से अभी तक प्लैनेट को डिस्क्राइब किया गया है वो वेगुलर डिफाइन किया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, अगर उसको भी कंसिडर किया जाए तो सिचुएशन जो है, जो ट्रूथ है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है। वी लॉन्ग आउटलास्ट इट्स करंट रेजिडेंट्स, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही, आउटलास्ट का मतलब आगे निकल जाना, इट्स करंट रेजिडेंट्स, और जो प्लैनेट है इसके ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, अगर ये प्लैनेट है इसी तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहे तो ये प्लैनेट कहीं ना कहीं, ये जो लोग हैं इस धरती के ऊपर रहते हैं, उस वो प्लैनेट उनसे कहीं आगे निकल जाएगा और इस प्लैनेट की जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही ज्यादा लीथल होगी, बहुत ही ज्यादा
डेट्रीमेंटल हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी और लोगों के लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं, पूरे दुनिया का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको इन्वायरमेंट का केयर करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, राइट। नाउ लेट मी डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए अब देखिए डिफाइंड यहाँ पर यूज किया गया V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वेगुली यहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया, रिलाय अपने साथ ओन प्रेपोजिशन को लेकर चलता है जिसका मतलब होता है डिपेंड होना, यहाँ पे ओन के बाद अपने पल्यूटिंग यूज कर लिया जो कि जेरंड है, विल कंटिन्यू ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, गिवन का मतलब होता है कंसिडर करना, राइट। सो माई डियर रीडर्स दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।